अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम अपना EVS में आज जो न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। इसमें यही है, अभी तक जो उमाना की जर्नी चल रही थी ट्रेन से, उसमें वो पहुंच गई थी वलसड के बाद आगे स्टेशन पे, अब वो जा रही है। तो अब जो वो डायरी लिख रही है वो नेक्स्ट डेट की है, दैट इज़ 17 में, और टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। सो इट इज़ मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। अब वो ट्रैवल करते करते ट्रेन में ओमाना सो गई, और अगली सुबह अब वो उठ रही है। तो वो एक स्टेशन पे पहुंची, उस स्टेशन का नाम था मडगांव। मडगांव लिखा था प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म वही जहाँ पे ट्रेन्स रुकती हैं और लोग चढ़ते हैं। सो अब मडगांव पहुँच गई है वो, एंड उसके पापा ने बताया कि अब वो गोवा स्टेट से पास हो रहे हैं। सो मडगांव इज़ इन गोवा। गोवा इज़ एक्चुअली द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या होता है, अब सुबह हो गई है, सबको भूख वगैरह लगती है, तो वो स्टेशन पे उतर गए और उन्होंने चाय पी और उन्होंने वाटर बॉटल्स अपने फिल कर लिए दोबारा से, ताकि ट्रैवलिंग में उनको प्यास लगे तो कमी ना हो। फिर क्या होता है, ट्रेन दोबारा से अब उस स्टेशन से आगे बढ़ती है। सो अब ट्रेन जब स्टेशन से आगे बढ़ रही है, तो मतलब उमाना इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखती है ट्रेन से कि वो बता ही नहीं पा रही है, अपनी डायरी में लिख ही नहीं पा रही है। उसके पास ऐसे वर्ड्स ही नहीं है कि वो डिस्क्राइब कर पाए अपनी फ्रेंड के लिए अपनी डायरी में। इतना सुंदर था, मतलब बाहर का व्यू जो था, वहाँ पे ग्रीनरी थी चारों तरफ, देखने पे फील्ड्स थे, खेत थे, जो रेड सॉइल वाले खेत थे, उसमें क्रॉप्स मतलब उसमें जो फसल है वो उग रहे हैं। उसके बाद साइड में पहाड़ हैं, पहाड़ों पे ग्रीन ग्रीन पेड़ हैं। तो ये सब देख के उमाना मतलब बहुत खुश हो रही थी। कभी कभी उसको बीच में क्या दिख जा रहा था, कहीं कहीं पर देखने पर दिख रहा है कि अरे पानी है, पर उसको फिर समझ नहीं आ रहा कि वो पॉन्ड है कि रिवर है। कभी वो पहाड़ों के पीछे देख रही है तो और ज़्यादा कोई वाटर बॉडी दिख रही है। तो उमाना मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और नेचर को देख के बहुत एक्साइटेड है, और कह रही है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पॉन्ड है यहाँ पे, वाटर बॉडी या रिवर है या सी है। और उसके बाद ये भी बता रही है कि जो एयर है यहाँ पे, वो एयर इतना कूल है, मतलब बहुत कूल है। और अहमदाबाद में जैसे सूखी हवा चलती है, गर्म ड्राई, वैसी हवा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो ट्रेन जो है एक लेवल क्रॉसिंग पे आती है। लेवल क्रॉसिंग क्या होता है, वहाँ पे दो तरह से ट्रैफिक जाता है, मतलब ट्रेन जो रेलवे ट्रैक्स होता है उस पर से ही उसको क्रॉस करके दोनों तरफ रोड होता है, और दोनों तरफ जो है व्हीकल्स आते और जाते हैं। तो लेवल क्रॉसिंग पे क्या होता है, अगर ट्रेन कोई जा रही है तो उस क्रॉसिंग को बंद कर देते हैं दो ऐसे बैरियर्स लगा के बड़े से, ताकि जो कोई व्हीकल है वो रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर व्हीकल क्रॉस करेगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जब आप बैरियर लगा देंगे तो दोनों तरफ गाड़ियाँ रुक जाएंगी और ट्रेन पास हो जाएगी। जब ट्रेन पास हो जाएगी तो वो बैरियर हटा देते हैं, और फिर आपकी जो गाड़ियां हैं, कार और ट्रक, ये सब ये जा सकते हैं उस ट्रैक के ऊपर से। सो उसने यही देखा कि वहाँ पे एक लेवल क्रॉसिंग है, और क्रॉसिंग के दोनों साइड पे जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं ट्रेन के पास होने का। इसमें बसेज हैं, उसमें बसों में लोग हैं, कार हैं, ट्रक्स हैं, ऑटो रिक्शा हैं, साइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, तांगा, और यहाँ तक कि बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियाँ भी हैं। उसमें भी लोग भी हैं और सामान भी है उनका। मतलब देखिए कि उमाना कितनी डिटेल से सब कुछ देख रही है और लिख रही है अपनी फ्रेंड के लिए। फिर वो कह रही है कि सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। अब उमाना इतनी कॉन्शियस है एनवायरनमेंट के को लेके कि वो सोच रही है कि लोग जब क्रॉसिंग पे हैं तो उन्हें अपनी गाड़ियाँ बंद कर देनी चाहिए, वो इंजन ऑन रखेंगे तो हमारा फ्यूल फालतू में जलेगा। सो पीपल को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ज़रूरत नहीं हो तो गाड़ी बंद कर दें। उसके अलावा स्मोक और नॉइज़ है, मतलब वो पॉल्यूशन भी नोट कर रही है।
फिर वो क्या देख रही है कि कुछ लोग जो है वो लेवल क्रॉसिंग को के नीचे से झुक झुक के रोड को ट्रैक्स रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये तो कितनी डेंजरस, बहुत गलत बात है ये कि ट्रेन जाने वाली है उसके लिए रास्ता बंद किया हुआ है, उसमें से आप झुक के उसको क्रॉस कर रहे हैं, ये तो आप ही के लिए बहुत हार्मफुल होगा। तो ये सब बातें जो है उमाना बहुत ध्यान से नेचर भी ऑब्जर्व कर रही है, इन्वायरमेंट भी ऑब्जर्व कर रही है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज लेसन। बाकी आगे उमाना क्या करती है हम कल पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि उमाना की ट्रेन में और उमाना ने अपनी ट्रेन में कहाँ से कहाँ तक जर्नी की। सबसे पहले ऊपर अहमदाबाद है, फिर उसके बाद वो ट्रेन धीरे धीरे नीचे आई और जहाँ पे पिंक एरो है वहाँ पे वलसड पहुँची, फिर वहाँ से मुंबई के को क्रॉस करते हुए, फिर वहाँ से पुणे के पास से मतलब उस रूट को फॉलो करते हुए वो पहुँच गई है फाइनली मडगांव वो ट्रेन। सो इतना लंबा रास्ता ट्रैवल कर लिया है अभी उमाना ने। और ये नीचे देखिए, ये आपको लेवल क्रॉसिंग की फ़ोटो है दिखाई गई, इसमें ट्रेन जो है वो जाने वाली है और लोग वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेन पास हो, फिर ये क्रॉसिंग्स हटें और वो अपना अपने अपने रास्ते जा पाएँ। सो दैट वॉज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।